नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको राम मंदिर खोल के हनुमान जी लेकर के आया हूँ। पहले मैं आपको हनुमान जी के दर्शन कराऊंगा, फिर ऊपर राम मंदिर के दर्शन कराता हूँ, क्योंकि रामनवमी आने वाली है। आजकल भी रामनवमी है, तो उस उपलक्ष्य में मैं आपको यहाँ लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों चलिए आप हमारे साथ में। आज डबल तो शर्मा है और एक खटेलवाल साहब भी हमारे साथ हैं, आप उन दोनों को भी देख लो। गायत्री मंदिर आ गए हैं, गायत्री मंदिर के दर्शन करिए आप, आइए गायत्री माँ के आप दर्शन करिए, फिर आपको राम मंदिर ऊपर लेकर के चलते हैं। जय माता की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथ पे जाएंगे तो राधेश्वर शिवालय आएगा और सीधे हाथ पे जाएंगे तो राम मंदिर आ जाएगा राइट में। अपने रामचंद्र जी के दर्शन करिए आप रामनवमी के दिन। कितनी सुंदर मुहूर्त है राम भगवान की, दूर से अपने आप में भगवान अपने विराट रूप में पीछे दिख रहे हैं, पीछे भगवान का चक्र चल रहा है, बाण ले रखा है, सीता जी साथ में लक्ष्मण जी हैं, नीचे हनुमान जी हैं, पूरी मंडली उनके साथ में है, शत्रुघ्न व भरत भी उनके साथ में इस समय, चारों भाई और सीता जी हैं, हनुमान जी नीचे हैं, शिव जी है, पूरी इनकी मंडली बैठी हुई है साथ में। कितना बड़ा प्रांगण है यहाँ पे, आप देखिए, देख रहे हैं ना क्या प्रांगण है, और यहाँ पे रामधुनी के पाठ चलते रहते हैं, और ऊपर देखिए डोम कितना सुंदर है यहाँ का। यार तेरे दोस्त ही उस दिन ऊपर चढ़ाते हो? नहीं, ये दूसरा है, इसका भाई है। देखिए आप डोम कितना सुंदर है, ऊपर आप देख रहे होंगे, ये रामचंद्र जी के मंदिर है खोल के हनुमान जी के अंदर, वो मैं आपको दिखाने लाया हूँ रामनवमी के अवसर पर। देखिए आप कितना सुंदर है, और आप देखिए पूरी दीवार पे लंकनी मनुष्य का प्रहार, ब्राह्मण रूप में हनुमान जी, ये सारा का सारा जो वर्णन है रामायण का वो पूरा का पूरा यहाँ पे सचित्र बनाया गया है। पूरी रामायण सचित्र आपको दर्शाई गई है, आप जब भी यहाँ पे आए पूरी रामायण सचित्र आपको दिखेगी यहाँ पे, और आप आराम से यहाँ बैठ के करिए। ये राधेलाल जी चौबे जिन्होंने खोल के हनुमान जी ये राम मंदिर बनवाया, उनकी फोटो है सामने, सामने आपको राम भगवान का दर्शन हो रहे हैं, और ये बहुत बड़ा सत्संग हॉल है। देखिए आप यहाँ पे बड़े बड़े सत्संग होते हैं, बड़े बड़े कवि भजन गाने वाले आते हैं यहाँ पे, और वो अपनी प्रस्तुति देते हैं, और भगवान के सामने उनकी प्रस्तुति होती है। मैं आपको भगवान के पास लेकर के चल रहा हूँ, आप देखिए, और यहाँ रामधुनि चलती रहती है। राम भगवान पूरे अपनी मंडली के साथ हैं, राम हैं, सीता हैं, लक्ष्मण जी हैं, भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, हनुमान जी हैं। देखिए कितना सुंदर रूप है भगवान का, और सीता जी बहुत ही सुंदर अपने रूप में हैं, चारों भाइयों के साथ में बहुत ही सुंदर झांकी है यहाँ पे इनकी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विराजे हुए हैं यहाँ पे, महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज का भी मंदिर यहाँ बना हुआ है। रामायण आप दोनों ने ही रची थी, और साथ में लवकुश का भी है, देखिए आप दोनों तरफ देखिए भगवान के छत्र हैं, इनको साफ कर रहे हैं। क्या रामनवमी पे भगवान के छत्र सफाई हो रही है क्या? जी। तो साल में कितनी बार करते हैं आप लोग? तीन बार तो होती है। तीन बार तो करते ही करते हैं आप भी। अब मैं नीचे उतर रहा हूँ धीरे धीरे, आप देखिए बीच में यहाँ गणेश जी का मंदिर है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। शिव का मंदिर है, और सामने गणेश जी विराजे हुए। देखिए खोल के हनुमान जी, यह रामचंद्र जी के यहाँ मंदिर है, यहाँ रसोईयाँ देखिए आप, कितनी रसोईयाँ हैं,
वसुंधरा ने यहाँ 5 करोड़ रुपए लगा कर की रसोईयाँ सारी बनवाई हैं। देखिए जब भी आप आए यहाँ खाना बनवाएं रसोई। दोस्तों आज रामनवमी है, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान का जन्मदिन है। आज आपको उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज का यह व्लॉग आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताएं। आज का यह व्लॉग यहीं ख़त्म करके जल्दी से जल्दी अगली यात्रा पर मिलने का वादा करता हूँ। आपका दोस्त आशीष पारिक, नमस्कार, जय श्री राम।